तो यो गाइस नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। तो इतने टाइम से लगातार रेगुलर अपलोड्स करने के बाद अब उस पे व्यूज नहीं आए, वो बात अलग है। बट एनीवेज, मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज के इस वीडियो में किसी वेकेशन में चलते हैं, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में ही। अरे इस असंभव चीज को संभव कैसे करना है, उस चीज की जिम्मेदारी तुम लोग मेरे पे छोड़ दो। तुम लोग बस इतना बताओ ये प्लान कैसा है। मस्त प्लान है। ओके तो चलो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। तो क्या हमें डोरेमोन के घर जापान जाना चाहिए? नहीं। अरे तो क्या मैकडॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका जाए? हाँ, अमेरिका वैसे अच्छी जगह है। अमेरिका का दलाल बहन चो। चलो ऐसे ढूंढने रह नहीं देते, चलो चुपचाप जाके टीवी में KBC देखते हैं, हो सकता है हमें वहाँ पे कुछ आइडिया मिल जाए। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? मेरा नाम चोत सिंह है, मेरी उम्र 30 किलोमीटर है और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरे गांव का नाम बसरंजागी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि लाइट का कनेक्शन करा सके हम, इसलिए बच्चों को जला के पढ़ाई करनी पड़ती है। सर बहुत मुश्किल होता है सर, घर को संभालना खुद को। बधाई हो आपको भाई साहब, वाह, आपकी सोच जो है तेज बहादुर सिंह जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय। ओके ऑलराइट भाई साहब, अगला प्रश्न है एक। ओहो शूटर बज गया है भाई साहब। भाई ये कौन सा एपिसोड था? बट एनीवेज, चलो अब कोई ऐड आएगा, हो सकता है उसमें हमें कोई नई प्लेस देखने को मिल जाए। भाई ये जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट में जो सिटी देखी, क्यों ना वहीं चलते हैं, क्योंकि वो सिटी यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पे है। Are you sure about that? हाँ, इतने ही पास नहीं है, बट एटलीस्ट जापान एंड अमेरिका के मुकाबले तो पास में ही है। हाँ तो चलो आज हम उसी सिटी जाएंगे। तो उस सिटी जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बाय एयर। बट उसके लिए तो हमें प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी। हमने कहा पर उतने तो पैसे नहीं। हाँ माँ चला लो फिर। प्लेन की टिकट नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर भी बाय एयर ही जाएंगे। कैसा? क्योंकि हमारे पास है हमारा 12 साल पुराना हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। एंड हम लोग इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर उस दूसरी सिटी में जाएंगे। तो चलो भाई। जैसा कि आप तुम यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग अपनी सिटी से काफी दूर आ चुके हैं। अभी तो आगे सिर्फ ओशन ही ओशन है, बट हमें ऐसे काफी टाइम तक रहना पड़ेगा क्योंकि वो सिटी ऑलमोस्ट यहाँ से 2,000 किलोमीटर दूर है। 2,000 years later. तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, मैं इस हेलीकॉप्टर को ऐसे ही उड़ाते जा रहा हूँ। ओह तो फाइनली हमें जमीन दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक फाइनली हम दूसरे शहर पहुँच चुके हैं। तो हमने ये पूरी इतनी लंबी जर्नी अपने हेलीकॉप्टर से कवर कर ली। एंड अब हम लोग आ चुके हैं सिटी के अंदर। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी बड़ी सिटी है एंड यहाँ पे कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। आई थिंक इतनी बिल्डिंग तो हमारे अभी वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी नहीं है, जितनी हम लोग को इस वाली सिटी में देखने को मिल जाती है। तो अब आ चुके हैं हम हेलीकॉप्टर के बाहर एंड अब हम इस पूरी सिटी को खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। ओहो तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक अजीब सा स्ट्रक्चर बन रखा है। वैसे ये किस चीज का स्ट्रक्चर है इस बारे में तो मेरे को नहीं पता, बट हमारी सिटी में नहीं और यहाँ पे है तो इसका मतलब अच्छा ही होगा। अच्छा। एंड वो देखो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर रेड कलर में यहाँ पर भी है। एंड आई थिंक ये गार्डन टाइप वॉक के लिए जगह है, तभी यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रखे हैं। अब हो सकता है ये वो ना हो, बट वी नेवर नो। एंड हमें यहाँ पे किसी की बुलेट खड़ी मिल गई तो हमने छोटा उठा ही लेते हैं। एंड उसी के बाद मुझे यहाँ पे मिला एक ग्राउंड जहाँ पे हम लोग छुपन छुपाई पबजी फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी खेल सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि तुम लोगों के पास खेलने के लिए चीजें एंड दोस्त होने चाहिए। अब हमारे पास दोनों ही नहीं है। एंड बस थोड़ी ही देर घूमने के बाद हमारे साथ बहुत ही एक्साइटिंग चीज हुई। ये वो एक्साइटिंग चीज नहीं है। हमें यहाँ पे इस अर्थ का ग्लोब देखने को मिलता है। तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, दुनिया ना ही गोल है ना ही फ्लैट है, दुनिया स्क्वायर है। बट
जो भी कहो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे काफी सही लग रहा है, बट मैं तो बस यही सोच रहा हूँ आखिर ये सब चीजें अभी वाले हमारे इंडियन बैकग्राउंड थ्री डी की सिटी में क्यों नहीं है। अच्छा बात नहीं है। एंड इस सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद हमें दिखती है यहाँ पे मारुति सुजुकी SWP। अब कुल मिला के हमें यहाँ पे ट्रैफिक में अलग अलग कलर की रंग बिरंगी कारें देखने को मिलती हैं, जिन्हें ऑफ कोर्स हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। मगर क्यों? क्योंकि लाइसेंस नहीं है। मजाक है ये। एंड हाँ, फिर हमें देखा ऊपर की साइड ब्रिज, तो हमने सोचा चलो एक बार ब्रिज पे भी चलते हैं। Okay. तो ओके, तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे और भी कारें चल रही हैं। एंड वो जो के सामने हमें एक व्हाइट कलर की भी कार देखने को मिल रही है। एंड इस समय हम लोग इस पूरे ब्रिज के स्ट्रक्चर के नीचे से निकल रहे हैं। एंड बस यहाँ पे होता है ये ब्रिज एंड भाई कितना लड़ेंगे। एंड हमने ऑलमोस्ट इस पूरी सिटी का एक्सप्लोर कर लिया है, बचती है तो बस यहाँ की कुछ गुमनाम गलियां जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं घूमने वाले। तो बस मुझे तो ये पूरी सिटी घूमने में काफी ज्यादा मजा आया, तो अब टाइम है इस सिटी को छोड़ने का एंड अपने वापस घर जाने का। तो होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।